अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। मैं कहीं और चला गया था, मैं किसी दूसरी लिंक पर चला गया था और 10 लोग वहां मेरे पीछे पीछे चले गए, आ गए, देखा हमको वहां लाइव। मुझे यहाँ आना चाहिए था, 50 लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे बच्चों। मैं रास्ता भटक गया था, मैं दूसरे रास्ते पे जाके कहीं और पढ़ाने लगा था और अपने उन शाइनिंग स्टार्स के बारे में बताने लगा। एक मैम का फोन आया था एक्चुअली, तो उन्होंने कहा क्या आपके यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए? उन्होंने कहा मैम कितने हुए हैं कभी पता नहीं चला। तो मुझे लगा कि मैं अपने बैचेस में ये बात बता ही नहीं रहा हूं किसी को कि मेरे यहाँ कुछ सिलेक्शन हुए टीजीटी में। हाँ भाई हाँ, ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ इस बार। और ये स्वागत है आपका भी, स्वागत है भैया भैया। तो ये वो सिलेक्शन हैं और मैं जल्दी ही एक मीटिंग प्लान कर रहा हूँ यहाँ अपने स्टूडियो में। अब ये स्टूडियो लाइव भी हो गया है इन सबके, बहुत बेहतरीन जगह पर आ गया हूं मैं, बहुत अच्छी लोकेशन में आ गया हूं मैं। तो बहुत जल्दी एक मीट प्लान कर रहा हूं इन सभी के साथ। मैं इनमें से चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग एक बार एक दिन के लिए समय निकालें, जिस दिन इनका सिलेक्शन मतलब कहने का जिस दिन इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो एक दिन का समय इनसे निकलवाऊंगा मैं किसी छुट्टी में, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा इन सभी से आप मिले, ठीक है। तो ये हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं। और फॉर डेमो क्लास, डेमो क्लास का क्या है एडमिशन के लिए सीधे, क्योंकि डेमो तो आपको मैं रोज दे ही रहा हूं। कितना डेमो चाहिए? अनिल बिस्वानी टाइप करिए आप गूगल पे और ढेर सारे वीडियोज, हजारों की संख्या में वीडियो, हजारों की संख्या में कह सकता हूं मैं, क्योंकि हजारों के अनअकैडमी पे भी इतने वीडियोज और इतने सारे लिंक्स पड़े हुए, इतने सारे वीडियोज पड़े हुए देखने के लिए आपको। तो कहीं कोई दिक्कत और शंका सुबह नहीं, आप जाइए 4-5 वीडियो देखिए, थम से एडमिशन लीजिए, झम से क्लास शुरू कर दीजिए, खटखट खटखट हमारे साथ चल पड़िए। मैं एक सफर पर निकल चुका हूं जिसके मैं एक रास्ता कुछ अंश में तय भी कर चुका हूं। आप समझ लीजिए मैं पीछे मुड़ के नहीं जाऊंगा, आपको कवर करना पड़ेगा जितना छूटेगा वो सब का सब। इसलिए चेत जाओ लल्ला। हम पढ़ा कर रहे थे, अरे इसको हटाओ, इसमें नालायक ईडीएफ पीडीएफ अपना पढ़ते रहना, ठीक है, अपना ईडीएफ पीडीएफ पढ़ते रहना। हम कल जो है एडजेक्टिव की बात कर रहे थे,
हम कल बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव की, और ये कह रहे थे आपसे कि एग्जीक्यूटिव कुछ खास प्रकार के होते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जीक्यूटिव और पास्ट पार्टिसिपल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। जब आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के पहले रखती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जीक्यूटिव कहलाती है, और वह उस नाउन की अपने बाद लगे नाउन के पहले एट्रीब्यूटिवली यूज होकर उसकी विशेषता बताती है। और हमेशा हमेशा V3 फॉर्म जब किसी नाउन के पहले आती है तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है, और वह हमेशा अपने बाद लगे नाउन की अंतिम लास्ट अल्टीमेट सिचुएशन को शो करती है। और ये दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं वर्ब से बने हुए, और इसीलिए इन दोनों को वर्बल एडजेक्टिव्स कहते हैं। हम लोग ये बातें कर रहे थे। आज हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की बात करेंगे जो किसी नाउन में एलवाई लगाने से बनते हैं, लेकिन काम वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का करते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जब वर्ब की विशेषता बतानी आएगी तब भी वो यूज कर लिए जाएंगे, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने की बात आएगी तब भी वो यूज कर लिए जाएंगे। देखते हैं कैसे। जैसे हम कहें डे, डे कौन सी पास्ट ऑफ स्पीच है, यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाउन और प्लस एलवाई बराबर एडजेक्टिव, हम इस सेगमेंट को पढ़ रहे हैं। ये फंडामेंटल्स की क्लासेस चल रही हैं, बेसिक इंग्लिश आप सीख रहे हो, बेसिक क्लासेस आपकी चल रही हैं, और ये कुछ दिन अभी 2-4 दिन और निशित सर की आज्ञा और इच्छा अनुसार ओपन की गई हैं, और ये चल रही हैं, ये रूटीन में चलती रहेंगे अप टू योर एग्जामिनेशंस। जब कोर्स समाप्त हो जाएगा तो यही खालिश प्रैक्टिस में तब्दील हो जाएंगी, वैसे समय समय पर प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो आगे मैं बताता हूँ डे। अब इसका मैं थोड़ा सा पेन जो है छोटा कर लेता हूँ। जैसे डे लिया हमने तो डे एक नाउन है, क्या है बेटा, नाउन, और अगर हम इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है डेली। अब बताइए ये डेली क्या है, आप बताएं ये डेली क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। दूसरा वर्ड मैंने लिया मंथ, तो इसका अगर हम एल वाई लगा दें तो ये मंथली बन गया, तो मंथली में एलवाई मंथ में लगी हुई है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया कि एडवर्ब, क्या ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है, आपको जवाब देना है, क्या ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है, आपको जवाब देना है। तीसरा शब्द ले लें हम ईयर, ईयर, और इसमें लगा दें एलवाई तो ये बन गया ईयरली, क्या ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। चौथा शब्द मैंने लिया आर ली, आवरली, तो आवरली लिया, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, आपको ये पता लगाना है। ये वे वर्ड्स हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं मेरे बच्चे। हाँ मंथली, ईयरली, वीकली, वीकली भी, हाँ, तो ये एडवर्ब्स भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं, जब किसी नाउन के लिए इनको लगाना होगा। जैसे हम लगाएं डे में डेली, तो हम कहें ही कम्स डेली, ही कम्स डेली, ही कम्स डेली, फ्रीक्वेंसी बता रहा, बारंबारता बता रहा, कितनी बार होता है वो काम, तो ही कम्स डेली। यहां पर ये डेली इस कम्स के लिए यूज किया गया है, और कम्स तो एक वर्ब है और इसीलिए ये एडवर्ब है। बात क्लियर हो गई, इसीलिए ये एडवर्ब है, मैं नीचे लिख देता हूं यहां एडवर्ब है, ये बात समझ में आ गई, ये यहां एडवर्ब है, ये ऊपर एडवर्ब कर दें नीचे एडजेक्टिव कर दें। आप देखो एडजेक्टिव की तरह हम कहें आ डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, तो यहां पर ये न्यूज़पेपर नाम के नाउन की विशेषता डेली नाम का एडजेक्टिव बता रहा है, और इसलिए ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो रही बात, बिल्कुल क्लियर हो रही, ये सभी एडजेक्टिव हैं एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एडजेक्टिव्स भी हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी। तो ये मंथली, ईयरली और आवरली, इन सभी से आप सेंटेंसेस बनाओगे, सेंटेंसेस बनाइए, कहाँ बनाओगे,
ये होमवर्क है आपका, ये आप रजिस्टर में ये नोट कर लीजिए, सामने जगह छोड़ लीजिए, फिर उसको अपने आप से बनाइएगा जरूर, ताकि आपको आदत पड़ जाए इनकी, ठीक है ना, इनकी आदत डालनी है आपको बेटा मेरा। बात समझ में आ रही है सब? बिल्कुल क्लियर हो गया है? बढ़िया 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 बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन वर्ड्स की जो एलवाई लगा करके एडवर्ब बन जाते हैं। उन वर्ड्स की बात करते हैं जो एलवाई लगाने से एडवर्ब्स बन जाते हैं, और वे होते हैं एडजेक्टिव्स, यानी हम एडवर्ब के फंक्शन में आएंगे। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की, तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ एडवर्ब। फंक्शन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में दी गई तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को वह क्वालिफाई करता है, उनकी क्वालिटीज को क्लियर करता है। कौन कौन सी तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो, ये वर्ब की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। यह एडजेक्टिव को अगर इनहेंस करने की जरूरत है, उसकी क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत है, उसे और ज्यादा प्रबल करने की जरूरत है, एक्सट्रीमिटी देने की जरूरत है, तो उसमें भी हम एडवर्ब का ही यूज करेंगे। एडजेक्टिव की भी विशेषता यह बताता है, और साथ में किसी एडवर्ब की विशेषता बताने की जरूरत है, यानी एडवर्ब को भी इनहेंसमेंट की जरूरत है, उसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तो उसके लिए भी हम एडवर्ब का काम करते हैं। तो बेसिक फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज टू से समथिंग अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, इन तीनों की विशेषता वो बताता है। बिल्कुल, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जरा देखें किस तरह से। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो यह कैसे एक वर्ब की विशेषता बताता है। हम कहेंगे ही प्लेड फास्ट, फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिया जिसमें हमने एडजेक्टिव की विशेषता बताना सिखाया, बताया ही प्लेड अ फास्ट इनिंग्स, He played a fast innings. Innings. तीसरा हमने एडवर्ब की विशेषता बताया, तो ये ऐसे हमने कर दिया, ये जब एडवर्ब की विशेषता बताता है तो ये he played very फास्ट अगर हम लिख दें तो ये आप अपने आप समझ जाओगे कि हम क्या चाह रहे हैं कहना, क्या बताना चाह रहे हैं। फिसी डूइंग फर्स्ट डिसलाइक रेगुलरली, बेटा तो ये तो तुमसे मैंने कहा था, मेरे मेरी मेरी इच्छा है कि 11,000 डिसलाइक मेरे इस पे आने चाहिए। 11,000 लोग चाहता हूं मैं डिसलाइक करें मेरा वीडियो। आप एक डिसलाइक के लिए इतना परेशान क्यों है बेटा? एक डिसलाइक तो मंजूर मेरा बच्चा, मंजूर मेरा बच्चा, तुम नालायक, बहुत तुमसे गुस्सा हूं। ऐसे कोई निराश होता है, ऐसे कोई परेशान होता है? अभी उम्र क्या है तुम्हारी बेटे? तुम नेट के लिए तैयार हो मेरे बच्चे, बस कुछ गलतियां तुम्हारे एग्जाम देने के पैटर्न में तुमने की है, तो उसके लिए तुम उसके लिए इतना कष्ट, नर्क जैसी जिंदगी बिता चुके हो 4 महीने जब से रिजल्ट आया है तब से। तुम वैसे ही मेंटली इतना टॉर्चर्ड हो बेटा मेरा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, तुमको चीजें रोकनी नहीं है, तुमको आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। मैं राह देख रहा था कि कब तुम आते हो मेरे यहाँ, मेरे मेरे मेरी क्लास में, ठीक है ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ गए हैं, तुम एक नंबर से बाहर हो, तो वो एक नंबर तुम्हें कुछ और बड़ी चीज के लिए रोक कर रखा है, इसलिए बिल्कुल परेशान न हो मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो शुरू हो जा फिर से उसी तरह से, और मैं हमेशा की तरह, पहले की तरह तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हमेशा साथ रहूंगा, ठीक है बेटा। स्वेच्छा क्लासेस, प्रभु मेरा बच्चा रवि, और कौन हो सकता है प्रभु कहने वाला मुझको, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा छोटा भाई, कैसा है बाबू। चलो, तो मैं क्या कह रहा था, आई वॉज सेइंग दैट एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई ऑल ऑफ थ्री, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड
एन एडवर्ब। अब जरा यहां सेंटेंस में देखें, इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं, वो अपने अपने रोल्स में है। यहां ये ही प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट के रोल में है, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है और यहां पर यूज की गई है इस सेंटेंस में, प्लेड इसकी वर्ब है, क्रिया हो गई। और ये फास्ट क्या ये ही के लिए लगा है या ये प्लेड के लिए लगा है? बिल्कुल ये प्लेड के लिए लगा है, देखो तो जरा ये प्लेड के लिए लगा है। तो प्लेड तो एक वर्ब है और जब ये वर्ब है तो ये ऑटोमेटिकली एडवर्ब हो गया। जरा इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, इस सेंटेंस को देखो, यहीं पर मैं लिखने जा रहा हूं एक सेंटेंस। पहले मैं इसको हटा लेता हूं, ये नौटंकी सब हटा देता हूं। मैं क्या कह रहा था, जरा ये सेंटेंस देखो, ही इज वेरी फास्ट, हमने ये कहा। अब जरा देखो ये फास्ट किसके लिए है, ये फास्ट एब्सोल्युटली ही के लिए है और ही एक प्रोनाउन है, ये ही को तो ही फास्ट कह रहा है और ये फास्ट इसके द्वारा मॉडिफाई है, फास्ट को वेरी के द्वारा और ज्यादा एनहांस किया जा रहा है, उसकी क्वालिटीज को बढ़ाया जा रहा है, एक्सट्रीमिटी को एनहांस किया जा रहा है, तो ये वेरी इसके लिए हो गया। तो ये फास्ट यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और ये एक एडवर्ब हो गया क्योंकि ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है उसको। क्लियर हो गई बात? लेकिन यहां चीजें अलग है, यहां पर ये फास्ट इस ही के लिए न लग करके इस प्लेड के लिए लगा है। बात को अच्छे से समझ लीजिएगा मेरा बच्चा। तीन लोगों ने डिसलाइक किया है सर, उनको डांट डांट थोड़े दें। अरे कैसे डिसलाइक करने वाले को हम डांट दें? मुझे मालूम है बाराबंकी में नहीं हूं सर अभी। कहां हो बेटा फिर? रवि तुम गए क्या क्लास से? क्या नाम रखा है क्लासेस का, तो अपनी कोचिंग का नाम? अब नालायक उस कोचिंग में हमारा नाम नहीं लिखोगे? खुशी नहीं, कौन सी क्लासेस थी अभी? फिर से कमेंट करके बताओ कौन सी क्लासेस का नाम है, कहां कोचिंग खोले हो तुम? ही प्लेड फास्ट, ये बेटा लफड़ा समझ में आ गया लल्ला? बेटा मेरा ये लफड़ा समझ में आ गया? कई दिनों से लाइव क्लास के लिए हड़ताल नहीं हुआ है, हड़ताल नहीं हुआ है मतलब फास्ट इनिंग्स में फास्ट एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब? फास्ट इनिंग्स में ये एडजेक्टिव है। हाँ बिल्कुल बेटा, बाराबंकी में हूं। अच्छा ठीक है, तो ये फास्ट जो है ये इस इनिंग्स के लिए लगा होने के कारण, ये इनिंग्स के एक नाउन होने के कारण ये फास्ट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहां ये फास्ट इस वर्ब प्लेड के लगे होने के कारण यह एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? धमकाना सर जी, अच्छा धमका क्या, अब तो 100 लोग कम से कम हो जाते हो, कल तो 126 लोग हो गए थे, तो हमको अच्छा लगता है कि कम से कम तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है, तुम देख रहे हो क्लास, ठीक है ना, तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है। तुमको जो टाइम ही नहीं है तो 200 का बैच हो चाहे 800 का बैच हो, कोनो मतलब थोड़ी है, कोनो मतलब थोड़ी है। कोनो मतलब नहीं है। आप देखो जरा ये एडवर्ब, ही प्लेड वेरी फास्ट, ही प्लेड वेरी फास्ट। आमिर जी हैं डिसलाइक, नहीं आमिर थोड़ी करेगा, वो तुमसे झगड़ा हुआ आमिर का महजबी कि हमसे झगड़ा हुआ, मेरा तो वो प्यारा बच्चा है। ही प्लेड वेरी फास्ट, अब यहां पर ये फास्ट इस प्लेड के लिए लगा होने के कारण और इस प्लेड के वर्ब होने के कारण ये एडवर्ब हो गया, और ये फास्ट की विशेषता बताने के कारण और फास्ट के स्वयं एडवर्ब होने के कारण भी ये एडवर्ब हो गया। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या बेटा? ये क्लियर हो गया बिल्कुल? सोनम जिंदल, क्या बेटा? सर जी हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, लिखने की जरूरत है, वहां पे लिख दो हम पढ़ लेंगे, हम लोग लिखे पढ़े हैं ना सब। पता नहीं मेरे शो नहीं कर रहा है डिसलाइक। अच्छा आप में डिसलाइक शो नहीं कर रहा है? अच्छा वेरी वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब है। हाँ बिल्कुल बेटा, डिसलाइक का बटन उखाड़ दिया जाए, रमेश बाबू का बस चले तो ये निकाल दे उसको।
चलो अब बिल्कुल क्लियर है ये एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और वो सेंटेंस आप बता दीजिए कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले सेगमेंट में एडवर्ब के। absolutely beautiful girl, a so absolutely beautiful girl was going, नहीं थोड़ा और बढ़ा दें इसको, गर्ल प्लेड एन एक्स, यहां पे नहीं यहां पे लिखूंगा एन, यहां से एन an extremely played an extremely extremely vital innings आप जरा इसमें जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप यूं खोल खोल कर पूरी साइकिल जैसे खोली जाती है, उसके पैडल उखाड़ उखाड़ के पैडल अलग कर दो, उसकी चेन अलग कर दो, उसकी गियर अलग कर दो, सब अलग कर दो, और फिर उसको जोड़ो, ऐसे तोड़ फोड़ के जोड़ने का काम बता रहा हूं मैं। चलो जरा बताओ, जूम पे या गूगल मीट पे क्या है सर जी, डिसलाइक वाला सिस्टम हटा दो, हटा देंगे। अच्छा ठीक है, क्या इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं हो सकती ये इंटरेक्टिव क्लासेस? अच्छा उस तरह से तो हम तो दिख रहे हैं तुमको, और तुम्हारा वहां फोटो हमको दिख रहा है, बस और क्या करना है, लाइक वाइक कर दो भाई, डिसलाइक के बदले में एक लाइक तो करो, तब तो बराबर होगा। अ सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गर्ल प्लेड एन एक्सट्रीमली वाइटल इनिंग्स, इस सेंटेंस में सारे आपको पार्ट्स बताने हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब ये अ किसके लिए लगा है, ये अ लगा है इस गर्ल के लिए, क्लियर हो गई बात, ये अ लगा है इस गर्ल के लिए, ठीक है। और ये सो किसके लिए लगा है, तो यहां गर्ल हमारा हेडवर्ड है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, हेडवर्ड हो गया, तो ये गर्ल हेडवर्ड है, और हेडवर्ड एक हमेशा नाउन होता है, जो अभी तक पूरा समझाए हैं उसको पूरा इसमें देख लो। तो अब ये नाउन है, तो इसके पहले लगा ब्यूटीफुल, हम जानते हैं फुल और लेस लगता है तो एडजेक्टिव होता है, ये ब्यूटीफुल इस गर्ल की विशेषता बताने के कारण ये एक एडजेक्टिव हो गया नहीं हो गया। अब ब्यूटीफुल के लगा है, पहले लगा है एब्सोल्युटली, तो ये एब्सोल्युटली किसको कह रहा है, ब्यूटीफुल को कह रहा है कि गर्ल को कह रहा है, ये एब्सोल्युटली कह रहा है ब्यूटीफुल को, ये ब्यूटीफुल को, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो ये एब्सोल्युटली एक एडवर्ब हो गया, समझ गए बात को। अब ये एडवर्ब उसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि वो एब्सोल्युटली से इमेजिन ही नहीं हो पाई अच्छे से, तो उसने एब्सोल्युटली को भी थोड़ा इनहांस करने की जरूरत समझी, और उसने कर दिया सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गर्ल, सो बहुत ही ज्यादा सुंदर, समझ गए बात को। तो सो का मतलब वो इतनी ज्यादा सुंदर, तो ये क्या हो गया, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी एक एडवर्ब हो गई। तो ये है एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन, ये है एडवर्ब क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव, और ये है एडवर्ब क्वालिफाइंग एन एडवर्ब, और ये है आर्टिकल डिटरमाइनिंग द हेडवर्ड दैट इज अ नाउन कॉमन नाउन। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई बात। ये हमारी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई हमारी, हो गई नहीं हो गई। अब जरा इधर आ जाओ, इधर ये जो एन लगा है ये अनुसार एक्सट्रीमली के लगा है, लेकिन लिए ये इनिंग्स लगा है। अनुसार का मतलब है यहां पर प्रोनंसिएशन हमारा वॉवल साउंड से है, इसीलिए ये एन लगा है,
लेकिन ये एन लगा है इनिंग्स के लिए, इस वजह से ये एन नहीं है कि इनिंग्स में आई है वॉवल साउंड है, बल्कि ये एक्सट्रीमली वॉवल साउंड है, एक्सट्रीमली में वॉवल साउंड है, इसलिए एन है ये। तो ये एन हो गया एक डिटर्मिनर, और ये हो गया नाउन हेडवर्ड पीछे के भाग में जो ऑब्जेक्ट में है, और ये वाइटल कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वाइटल किसके लिए लगी है, ये तो लगी है इस इनिंग्स के लिए, तो इनिंग्स एक नाउन है तो वाइटल एक एडजेक्टिव हो गया। अब ये वाइटल एक एडजेक्टिव है तो एक्सट्रीमली इस वाइटल के लिए लगी है, तो एक्सट्रीमली वाइटल के लिए, तो वाइटल एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब हो गया। कहीं कोई दिक्कत? बेटा कहीं कोई दिक्कत आई इसमें? जरा भी कहीं दिक्कत आ रही है? एंड डिटरमिनर हो गया, क्या है दृश्य का बेटा? मंजूर अहमद क्या हुआ? चलो बेटा आ जाओ। कुछ किए होंगे तो हम कमेंट पढ़ नहीं पाए होंगे, वो क्या बताएं, हम नहीं पढ़े होंगे हम। अच्छा आपने मुझे मुझे लगा गए, पता नहीं क्या है ये, सब क्लियर है कि नहीं? खाली क्लियर बताओ वहां पर, और कुछ नहीं बोलो हमको, कुछ लाइक पढ़ने वढ़ने का समय नहीं, क्वेश्चन हो तो बोल देना। क्या होगा सर? यूज टू आई हैवेंट गॉन टू सिनेमा, आई हैवेंट बीन गॉन टू सिनेमा फॉर एजेस, वी हैवेंट गो अ लॉट यूज टू या आर टू, हम समझ नहीं पा रहे हैं, व्हाट्सएप कर देना हमको, समझा देंगे बाबू, हमको व्हाट्सएप कर देना, हम समझा देंगे। ये क्लियर हो गया बिल्कुल? चलो अब वो बात मैं कहने जा रहा हूं जो कहने के लिए एडवर्ब शुरू किया। अब एडवर्ब का आप फंक्शन समझ गए, एडवर्ब का क्या समझ गए, फंक्शन समझ गए कि एडवर्ब वास्तव में काम क्या करता है और कहां कहां पाया जा सकता है। वो किसी वर्ब के लिए लगा हुआ हो सकता है, वो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए लगा हुआ हो सकता है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये क्लास चल रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। यानी एडवर्ब अगर हमको किसी सेंटेंस में ढूंढना है तो हम क्या करें, कैसे, कहां, किस भाग में और किस रूप में हमको वो मिलेगा, हमें ये बात अब इस आगे क्लास में जाननी है। तो एडवर्ब का फंक्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन, तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, द मोस्ट यूजेबल सफिक्स फॉर एडवर्ब इज, एडवर्ब इज कौन है, एल वाई, एल वाई सर्वाधिक यूज किया जाने वाला एडवर्ब का सफिक्स है। बाकी के कुछ एडवर्ब्स हैं जो अलग होते हैं बिल्कुल, उनका मतलब अलग ही दिखते हैं, वो उनको हम अलग से समझाएंगे। और एडवर्ब वर्ब के लिए जब बात करता है तो कब, क्यों, कहां, कैसे के उत्तर में मिलता है, ये भी हम आपको दो मिनट में समझा देंगे। बिल्कुल क्लियर है सर? अब द मोस्ट यूजेबल सफिक्स या यूज्ड सफिक्स, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, अब है क्या, एडजेक्टिव को जब हम एलवाई देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब। अब जरा बताइए, इकोनॉमी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इकोनॉमी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इकोनॉमी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आई वांट द आंसर। मजा आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा है, पीडीएफ ग्रुप में डाल दो प्लीज। अरे पीडीएफ बेटा वो मोटा वाला फॉन्ट है हमारे पास, नॉर्मल लेविस की एक बुक खरीद लो बेटा, सबने खरीदी है, और बढ़िया से खुद से नोट्स बनाओ मेरे लाल, वहां से ही तो क्वेश्चन सारे आएंगे आपके एग्जाम के, सारे क्वेश्चन आएंगे वहां से, बात समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी कौन सा है? बिल्कुल, तो इकोनॉमी का अगर हम
एडजेक्टिव बनाए तो क्या बनेगा, इकोनॉमिक, और इसका एक और एडजेक्टिव बनेगा, इसका एक और एडजेक्टिव बनेगा इकोनॉमिकल। ये दोनों एडजेक्टिव बन गए, ये भी और ये भी, ये दोनों एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब क्या बनेगा, अगर इसमें हम एल वाई जोड़ लें तो जो एडवर्ब बनेगा वो बनेगा इकोनॉमिकली। तो ये इकोनॉमिकली बन जाएगा। अब इकोनॉमिकली एडवर्ब, ये इस का भी एडवर्ब है और इस का भी एडवर्ब है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग में फर्क है। इस इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड, ये रिलेटेड होता है एडजेक्टिव। और ये इकोनॉमिकल थोड़ा सा अलग मीनिंग रखता है, इसका मतलब होता है माइजर, यानी कंजूस, मितव्ययी जिसको कहते हैं, कंजूस के बजाय उसको मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, ये इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमी नाउन बना, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल ये एडजेक्टिव्स हैं। तो हम नाउन में नहीं एलवाई लगाएंगे बल्कि इसका एडजेक्टिव बनाएंगे और एडजेक्टिव में हम एलवाई लगाएंगे। अब ये इकोनॉमिकली कंजूसी से का भी मीनिंग देता है, इसकी एक मीनिंग होती है कंजूसी पूर्वक, कंजूसी पूर्वक, और एक मीनिंग होता है इसका आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। यानी इसके जब एडवर्ब की तरह इसको यूज किया जाता है तब इसके दो फॉन्ट बन जाते हैं, दो वर्ड बन जाते हैं। बात समझ गए? तब इसके दो वर्ड, दो मीनिंग इसकी बन जाती है। एडवर्ब की तरह या कंजूसी पूर्वक किसी ने काम को किया तब भी हम इकोनॉमिकली लगाएंगे। ही स्पेंट द मनी इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है ना। दूसरा देखो, इंडिया इज getting economically strong। अगर ऐसे सेंटेंस आ गए आपके एग्जाम में और आपसे पूछ लिया कि हम, देखो अब इकोनॉमिकली नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्ग कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलो बताओ बेटा, स्ट्रॉन्ग कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने ये पूछा है। ही स्पेंट द मनी इकोनॉमिकली, ये देखिए अलग मीनिंग दे रहा है। इंडिया इज गेटिंग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, यहां इकोनॉमिकली अलग अर्थ दे रहा है। देखो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, ये तो नहीं, आपकी थिंकिंग गलत हो गई। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं और ये दोनों दोनों तरीके से यूज किया जा सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मन लेविस की ऐप पर थी थ्री बुक, तीनों बुक खरीद लो, एक हम मोटी वाली, सबसे मोटी वाली, बड़ी वाली पढ़ा रहे हैं, और आगे जैसे ही टाइम बचता जा रहा है मैं इसी को, इसके बाद दूसरी या तीसरी शुरू कर दूंगा। मैं सारी की सारी नॉर्मल लेविस पढ़ाऊंगा और एग्जाम के लिए, और अलग से पीडीएफ खुद दे दूंगा, काम तुम्हारा हल हो जाएगा, बिल्कुल वादा है आपसे, एकदम वादा है, पूरा तैयार करके भेजूंगा एग्जाम में, ऐसे नहीं भेजूंगा। मैं कच्चा खिलाड़ी मैं हूं नहीं, मैं कच्चा गेम खेलता नहीं हाँ। तो और मुझे मानना है कि अगर आप सच्चे दिल से बिल्कुल मोहब्बत करोगे अपनी नौकरी से तो वो मिलकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चे दिल से। स्ट्रॉन्ग क्या है, अब देखिए कितने बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। एक बच्चा जो है वो प्राची, उसने एडजेक्टिव कहा है, बाकी एडवर्ब नाउन एडवर्ब नाउन एडवर्ब नाउन एडवर्ब, ऐसे ये हालात हैं आपके, ये हालात हैं आपके। सौरभ भरद्वाज आए, सुदेश भरद्वाज, और आते ही जो है नाउन बोल दिया झांसे
अच्छा तो नाउन है ये, अगर ये मान लो नाउन है, तुमने तुम्हारे अनुसार ये नाउन है, तो इकोनॉमिकली क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, इकोनॉमिकली एडजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब इकोनॉमिकली एडजेक्टिव होगा, यानी ये पूरा फार्मूले गलत हो गया। और यहाँ साफ साफ इकोनॉमिकली लिखा है, ये देखो इकोनॉमिकली लिखा है कि ये क्या है, ये एडवर्ब है और एलवाई लगाया गया है एडजेक्टिव में, तब ये बना है। और ये तुम बता रहे हो नाउन, ये भेजे में तुम्हारे जो है बात घुसती नहीं है। हाँ, अब ये एडजेक्टिव हो गया और तुम्हारा सर हो गया सबका। बस चढ़ने लगी गुस्सा तिवारी जी, अब गुस्सा चढ़ने लगी मेरे, दोनों का अलग अलग बताओ, वही मिक्सचर कर जो नालायक एडवर्ब एडजेक्टिव सब घुसेड़े दे रहे हैं, दोनों का एक साथ बताओ। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है सर रमेश, आप जाके बोले रमेश। अरे स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हूं मैं, क्योंकि मेरे में स्ट्रेंथ है नालायक, मेरे में स्ट्रेंथ है, तभी तो मैं स्ट्रांग हूं, है कि नहीं? ये बोलो, हद किए हैं खत्म बिल्कुल। शौक है दांत दांत खाने की, रोज रोज डांटे जब तक नहीं जाते तब तक राजी नहीं होते हैं नालायक। भैया मेरे लाल मेरा, ये देखो अभी बताए हैं हम कि इकोनॉमिकली जो है लल्ला मेरा, मैंने अभी बताया है कि इकोनॉमिकली एलवाई एडजेक्टिव में लगा के बनाया गया है, तो ये तो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब लगा है तो एडवर्ब जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो या तो एडजेक्टिव होने चाहिए, या तो एडवर्ब होना चाहिए, या तो वर्ब होना चाहिए। ये वर्ब यहां आने का कोई चांस तो है नहीं, क्योंकि यहां पर वर्ब हो ही नहीं सकती, यहां पर तो वर्ब तो यहां पर है, गेटिंग के बाद ये यहां पर है, तो ये तो एडवर्ब होगा इसके लिए लगा हुआ। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है, गेटिंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और इकोनॉमिकली का मतलब यहां आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। अंग्रेजी पढ़े नहीं हो का तुम लोग? कभी ये बताओ हमको, कभी अंग्रेजी पढ़े नहीं हो का ये बताओ? 15-15 साल से तो पढ़ा का रहे हो स्कूलों में, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। 8-8, 10-10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, काहे बच्चों को भविष्य बर्बाद करे हो प्राइवेट स्कूल के? उनको कैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? खाली न्यू स्टाइल की एक्सरसाइज करा करा के? सभी लोगों ने सही नहीं तो बोला था, नाउन बोला था सबने इसको, एक बोली थी वहां प्राची केवल एडजेक्टिव बोली थी इसको, बाकी सब नाउन बोले थे, और इकोनॉमिकली एडवर्ब हो गया, तो ये एडवर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। नहीं पढ़ रही थी आपसे, थोड़े ही पढ़े थे। अच्छा हमसे नहीं पढ़े थे। मीना आ गई बिटिया मेरी, गुड़िया। अच्छा मीना गहलोत लिख ली है, अब देखो गहलोत भी लगा लिए साथ में। ठीक है ना, इंडिया इज गेटिंग इकोनॉमिकली स्ट्रांग, तो इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, ये गेट जो है यहां वो बी की तरह काम कर रहा है, जैसे हम कहें देखो बेटा मेरा लाल मेरा, जरा ये सेंटेंस देखो, ही हैज गॉट स्ट्रॉन्ग। अब इसमें देखो स्ट्रॉन्ग क्या है, देखो बेटा क्या दोनों सेंटेंसेस आपको सही लग रहे हैं? बोलो क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं बेटा? रमेश भैया एडजेक्टिव ही बताए थे, अच्छा ठीक है, अच्छा तुमने भी एडजेक्टिव बताया था, अच्छा ठीक है, नहीं देखे थे, रो नहीं आगे देखो,
तो फालतू डांट दिए मतलब हम गलत डांट दिए। हाँ एक मिनट साहब को फोन आ रहा। हाँ जी सर, भेज दिया है आपके नंबर पर सर, तुरंत भेज दिया था सर। जिस दो नंबर है क्या सर, दोनों पे व्हाट्सएप चलता है आपके? हाँ मैंने इसी पे भेजा था सर, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 7023030918 से भेजा है सर, अंत के चार हैं, 918 है लास्ट में, 918। जी सर, जी सर, हमारे साहब का फोन था भाई। एक्चुअली सरकार इस समय चुनाव के मूड में थोड़ा सी है, तो वही वोटिंग वाला चल रहा है सिस्टम, तो साहब ने एक भाषण दिया था तो हमने शूट किया था, तो वही भेजने को कहा था तो वही मैं भेज दिया हूं उनको। अच्छा किया ना, और मैं फिर से आ गया आपके पास। ठीक है, तो फिर से आ गया। चलो देखो, अब साहब की कॉल तो लेनी पड़ेगी ना बेटा, साहब और ग्राहक की कॉल कभी भी आ सकती है, हमारे साहब जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं बेटा। सेंटेंस सही है कि गलत? दूसरा रॉन्ग है। देखो अब दूसरा रॉन्ग क्यों है, पहले में ये जो गॉट है ये वर्ब बी की तरह काम कर रहा है, यहां बी मतलब होना है, होना, तो ये जब होना होती है तो यहां कोई एक्शन नहीं होता है, ये नॉन एक्शन है। तो ये जब नॉन एक्शन है तो नॉन एक्शन वर्ब जब एक्शन ही नहीं है तो वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब की प्रश्न ही नहीं उठता, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है। और यही मैं वहां पर बता रहा था कि ही इज गेटिंग, जैसे हम कहें ही इज गेटिंग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, तो ये इसीलिए यहां स्ट्रॉन्ग एडवर्ब ना होकर के एडजेक्टिव है, क्योंकि गेटिंग यहां वर्ब बी की तरह काम कर रहा है, बी का मतलब है हो रही है, होना, कोई एक्शन यहां पर नहीं है, ये बात वहां पर थी। तो अभी मैं थोड़ा सा और आपके साथ खेल खेलूंगा, अभी आपको मैं ये सिखाऊंगा। देखिए मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं श्योर, जरा बताइए ये श्योर दिख रहा है क्या भला, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये श्योर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? जीएस की क्लास बेटा 5 बजे से है, और ये जीएस की प्रैक्टिस करवाने के मूड से कि अभी से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो काफी लाभ मिलेगा आपको, तो 30 क्वेश्चन हर क्लास में आपको फटाफट करवाए जाएंगे। कल मैं हर्ष भैया से कह दूंगा थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से, कम जो है थोड़ा एक्सप्लेन जहां तक वो कर सके तो करें, नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की मेरा मूड है। और आगे, हाँ जी सर, अच्छा ठीक है सर, अभी भेज रहे हैं। मैं एक मिनट लूंगा, भेज दूंगा मैं। तो मैं क्या कह रहा था, श्योर कैसी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? श्योर, श्योर एक, हाँ श्योर एक एडजेक्टिव है। अब इसमें हम एल वाई लगा दें तो ये क्या बन गया, ये श्योरली बन गया, श्योरली बन गया, एस यू आर ई एल वाई, श्योरली बन गया, तो ये एक एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो श्योर सक्सेस होगा ना कि श्योरली सक्सेस होगा। अब अगर हम इसकी वर्ब कहें बनाने को, वर्ब, तो आप क्या बनाओगे? श्योर से आपको वर्ब बनानी है इसकी, जरा बताओ हमको क्या बनाओगे, श्योर की वर्ब क्या बनाओगे? श्योर एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है, अब श्योर की वर्ब क्या बनाओगे?
श्योर की वो बनानी है आपको। चलो बताओ, श्योर की वो बनानी है आपको। चलो श्योर की वो बनाओ। क्या बनाया है? अश्योर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अश्योर इसकी वो बनेगी, अश्योर। तो इंश्योर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी और एनश्योर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी? इंश्योर, एनश्योर और अश्योर, ये तीनों कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? फटाफट जवाब दे दी जाइए। चलो बेटा लाइक कर दो सब लोग जल्दी से भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, एंश्योर। बोलो 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 बोलो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे सर? हाँ जब बताओ बताओ बताओ, सुनूंगा अभी सुनूंगा। अब अश्योर, एंश्योर और एंश्योर, ये तीनों की तीनों वर्ब हो गई, ये तीनों की तीनों वर्ब हो गई। और इन तीनों वर्ब का अगर हम कहें आपसे नाउन बनाने को, तो आप क्या करोगे? नाउन ये बना के लाना, तीनों का, तीनों का नाउन आपके लिए होमवर्क है और इसको आप बना के लाइएगा और फिर आपको हम आगे की क्लास एडवर्ब से संबंधित कुछ और चीजें बताते हुए और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बची हैं उनका इंट्रो देते हुए आगे क्लास को बढ़ाएंगे, लेकिन कल, आज नहीं, अब कल बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करूं मैं। सुरेश भारद्वाज भैया, अंकिता सिंह, अंशु, विनीत अवस्थी, रुखसाना बानो मैम, बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूं मैं, योगाचार्य संजीव शर्मा भैया, ओम प्रकाश जी, रूबी राज, रूबी एजाज, एक्चुअली महजबी फातिमा, रमेश भैया, ऑल आर वोब, ये सभी की सभी वोब है, ठीक है ना? हम बताएं, हाँ मैं बताऊं, एश्योरेंस, एंश्योरेंस, Assurance, तीनों इसके नाउन बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एश्योरेंस नाउन बन जाएंगे, बहुत बढ़िया, ये तीनों नाउन बन जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं अब जाना पड़ेगा मुझे, अभी और क्लास है ना, 5 मिनट का ब्रेक तो लेने दो, मैं अभी आ रहा हूँ क्लास लेकर के भैया। अर्चना नितिन आप आई और हम जा रहे हैं, चलिए ठीक है, तो मैं अभी मिलता हूँ आपको क्लास में। और वो पेड क्लास है वो बंद हो चुकी है, तो एक ही बार में लिंक आएगा आपके उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है अपना, और आपका इतना लंबा परिवार है कि मैं देखता हूँ आज कौन कौन मिलता है क्लास में। मिलता हूँ, थैंक यू। हाँ हाँ बता दूँ, LT का बैच 7023030918। हर क्लास के पहले आपको PDF मिल जाएगा, पूरी तरह से उसको तैयार करवाऊंगा मैं क्लास में, और इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है तो उसको ग्रैप करके रख सकें, आप अपने अंदर ग्रैप करके रख सकें। टीजर करना आपका काम है, मेहनत करना मेरा काम है। मेरे बारे में जानना है तो आप वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पर अनिल बिस्वानी का नाम जैसे ही टाइप करोगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं हर जगह एक ही जैसा पढ़ाता हूँ, कहीं पेड क्लास या अनपेड क्लास मेरे लिए कुछ भी नहीं होता, मेरे लिए सारी क्लासेस पेड क्लासेस ही होती हैं। तो बिस्वानी नाम जैसे ही आप टाइप करोगे आपको सब कुछ वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ढेर सारे डेमोस और डेमो क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिस्वानी क्लासेस में मैं बिस्वानी स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। जितनी प्रॉब्लम्स आपको ऐप के चलाने में आ रही है और टेंशन मुझे दे रहे हैं, उन टेंशन को रिलीव करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। आपको समझना है कि कैसे ऐप को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके लॉग इन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जब भी आप ये सब बैचेज हैं जो चल रहे हैं, सबसे पहले ये आपका होम स्क्रीन है,
इसके बाद आप आएंगे तो इंस्टॉल करेंगे ए बिस्वानी क्लासेस, यहाँ पर देखिए लिखा है ए बिस्वानी क्लासेस। आपको बिस्वानी क्लासेस नाम से दो ऐप और मिलेंगे, उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। ए बिस्वानी क्लासेस जिसमें लिखा हो लाइव लर्न, 5 रेटिंग्स दी है, आप रेटिंग भी उनको देंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आएंगे तो आपका इंटरफेस जो खुलकर आएगा वो होगा रजिस्टर और लॉगिन का। तो आप जब सबसे पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बार जब आएंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, रजिस्टर करेंगे अपने आप को। कहीं भी जानते हैं तो आप रजिस्ट्री करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। और जब दूसरी बार आएंगे तब लॉगिन करेंगे, फर्स्ट टाइम में रजिस्टर करेंगे और दूसरी बार में लॉगिन करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, जो मेल आईडी और फोन नंबर और जो जो वो बनाओगे आप इसमें, आप रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी वगैरह लगाओगे, कैसे लगाओगे ये है देखो। यहां पर आपको अपना नाम डालना है, यूजर नेम आपका जो भी होगा, जो नाम है आपका, यहाँ पे फोन नंबर आएगा आपका, ये ईमेल एड्रेस आएगा आपका, अब फिर यूजर नेम जो भी आप रखना चाहते हैं जो आपको ऐप में शो होगा आप वही नाम रख सकते हैं जो आपका नाम है, और यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। ये रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तब की बात बता रहे हैं, यहाँ पासवर्ड डालोगे आप, और वो पासवर्ड आपका नेक्स्ट टाइम जब आओगे लॉग इन करने के लिए तब काम आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, ये रजिस्टर करने का है ना? स्टेट, हाँ ये इसके नीचे है, यहां तक आ गए तो इसके नीचे ये स्टेट है, फिर स्टेट आप अपने यहां से चुनोगे कौन सी स्टेट में आप रहते हो, चुनोगे तो उत्तर प्रदेश चुनना है, फिर एग्री करोगे यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस से, और फिर अपने आप को रजिस्टर कर दोगे। जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप ईमेल आईडी आपकी, पासवर्ड आपका जो आपने बनाया था, यहां पर जो भी पासवर्ड बनाया था आपने, ये वाला पासवर्ड ये आप अपने पास लिख लीजिए, हाँ फोन, हाँ चाहे यहाँ फोन नंबर डालो और चाहे ईमेल आईडी डालो, कुछ भी डाल करके पासवर्ड डालोगे और आपका उसे पासवर्ड आप रिसेट भी कर सकते हो यहाँ से, और फिर लॉगिन कर दोगे आप। और फिर आप जब पहुंचोगे आगे तो आगे आपको कुछ इस तरह के इंटरफेसेस में, सबसे पहला इंटरफेस आपको मिलेगा यहाँ जिसमें मैं मिलूंगा, और आपको ये मतलब की चीज है, अगर आप पेड बच्चे हैं हमारे और आपने पेड बैच हमारा ले रखा है तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुलकर आ जाएगा। ये खुलकर तो तब भी आएगा जब आप पेड नहीं हो, लेकिन आगे आपको कोर्स यहाँ व्यू के बजाय आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, दिखेगा बाई कोर्स, यहाँ पे दिखेगा बाई कोर्स, बाई लिखा होगा, यहाँ भी बाई लिखा होगा, पीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड कॉम्बो बैच है ये, न्यू बैच, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यू इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पेड बच्चा है, ठीक है ना, विकास का है ये, हेलो विकास कुमार, विकास की आईडी है तो ये पेड है इसलिए यहाँ पर व्यू दिखा रहा है आपको, ये बाई दिखाएगा अगर आप पेड नहीं है तो। फ्री कोर्स आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप फ्री कोर्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं डाला है, पेड कोर्स में ही आपका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ भी वहां फ्री नहीं है, यानी सब आपके लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। फिर आप यहाँ कैटेगरी में आओगे, टीचिंग एग्जाम्स पे चेक करोगे क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम में हो, इसी कैटेगरी के अंतर्गत ये कोर्सेस है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब आओगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा, जब आप इसको व्यू पे जाओगे आरपीएससी में, या आरपीएससी अभी नहीं चल रहा है, इसके कोर्स अभी नहीं चल रहा है, ये जो एलटीटीजीटी पीजीटी का है इसको आप जब क्लिक करोगे तो ये खुल करके आ जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी उसमें, रिकॉर्डेड होंगी, ये रिकॉर्डेड वही है जो लाइव ही थी, लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड हो जाती है जब 2 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बाद लाइव वाली क्लास रिकॉर्डेड में दिखाई देने लगती है। तो शेड्यूल आपका है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा, देखो क्लास लगी है लेक्चर 1 इंग्लिश लिटरेचर विलियम जे लॉन्ग, ये लगा है यहाँ पे, देखो लिटरेचर 12 हैमलेट ग्रेट ट्रेजेडीज, ये लगे, तो ये लाइव क्लासेस के शेड्यूल जो यूट्यूब पे चलने वाले हैं वो यहाँ मिलेंगे, और आपके जो ऐप पे चलने वाले वो भी यहीं पर मिलेंगे सारी क्लासेस, ये दोनों क्लासेस ऐप पर लगी हुई है और ये ऐप पर चले। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे आप, तो जब आप पेड कोर्स में आ गए तो ये इंटरफेस आपको मिलेगा, है ना, और इसमें जब आओगे तो आप इंग्लिश को क्लिक करोगे, इंग्लिश को जैसे क्लिक करोगे तो तुरंत इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, ये देखो सारे, ये दोनों नीचे तक है, ये है ना,
टेंस है, नॉर्मल लेविस है, वोकैबुलरी लिटरेरी टर्म्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज है, और डिटरमिनर एडजेक्टिव जो कि अभी अब तक चल रहा है, देखो फंडामेंटल्स है ना, ये पीडीएफ यहाँ पे सारा पीडीएफ है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो सारा पीडीएफ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया, उसमें डाले गए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते कोई भी चीज, ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर जिसमें शेक्सपियर चल रहा है इस समय, और टीजीटी लिटरेरी थियरी, इसमें भी वीडियोस हैं, तो सब ये आपको देखना है। हो गया, समझ गए आप? और अब मैं थैंक यू बोलूंगा आपको, अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वही नंबर घुमाना है 7023030918। 3999 रुपए फी है, और ये सभी कोर्सेस की फी अप टू सिलेक्शन। डाउनलोड द ऐप बिस्वानी क्लासेस, ए बिस्वानी क्लासेस, एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट एंजॉयिंग एंड लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।